फ्रेंड आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वेज रिवीजन फाइनल हो गया और 12th बाइपार्टाइट के हिसाब से लोगों को एरियर रिवाइज सैलरी भी मिल गई, लेकिन अभी ग्रामीण बैंक में पेमेंट नहीं हुआ है। यानी कि ये जनरली ये होता है कि जब पब्लिक सेक्टर बैंक में वेज सेटलमेंट फाइनल हो जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही एक नोटिफिकेशन के जरिए DFS ग्रामीण बैंक इस बात के लिए अनुमति देता है कि अपने यहाँ वो 12th बाइपार्टाइट इम्प्लीमेंट करें। और लास्ट जब 11th बाइपार्टाइट सेटल हुआ था यानी कि नवंबर 2020 में, तो उसके बाद अप्रैल 21 में ग्रामीण बैंक में ये नोटिफिकेशन आया था और अकॉर्डिंगली उनके यहाँ 11th बाइपार्टाइट लागू किया गया था। लेकिन 8 मार्च को जब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट फाइनल हो गया, उसके बाद अभी भी ग्रामीण बैंक में 12th बाइपार्टाइट इम्प्लीमेंटेशन के लिए DFS द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और इस संबंध में AIBA ने एक पत्र 5 मई को वित्त मंत्री को लिखा, वेज रिवीजन फॉर एम्प्लाइज एंड ऑफिसर्स ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स। और उन्होंने लिखा कि हेंस ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लाइज एंड ऑफिसर्स वर्किंग इन द रीजनल ऑफिस RRB आर टू बी एक्सटेंडेड वेज रिवीजन एज इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17(1) ऑफ द RRB एक्ट 1976 एंड एज पर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। व्हाइल एम्प्लाइज एंड ऑफिसर्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हैज रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ द वेज रिवीजन, द स्टाफ ऑफ RRB आर इनॉक्सियसली अवेटिंग वेज रिवीजन इन RRB। और उन्होंने वित्रमन से मैडम से रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द ग्रामीण बैंकों में भी ये वेज रिवीजन 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लागू किया जाए। हाँ, AIBA ने एक पत्र लिख दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद DFS नोटिफिकेशन जारी करेगा और RRB पे वेज रिवीजन जो इम्प्लीमेंट करने के लिए 12th बाइपार्टाइट का रास्ता खुलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।